नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सबका इस विशेष सभा में स्वागत है। आज की सभा विशेष इसलिए है क्योंकि आज हम एक महान आत्मा, एक महान स्वतंत्र सेनानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का विषय है गांधी जी के लिखे हुए पत्र। वैसे तो उनके सारे लिखे हुए पत्र पढ़ने और सुनने के काबिल है, लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं आज उनके लिखे हुए पत्रों में से एक पत्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। एक शाम मुंबई की सड़कों पर जब गांधी जी टहल रहे थे, तब उनकी मुलाकात उनके एक बचपन के मित्र से हुई। बातों बातों में उन्हें यह पता चला कि वह एक बीमा एजेंट है और उनका काम है पॉलिसी बेचना। उस समय गांधी जी को इस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उनकी दिलचस्पी इस क्षेत्र में बढ़ने लगी। उन्होंने उनके मित्र से प्रश्न किया, यह पॉलिसी क्या होती है? तब उनके मित्र ने कहा, यदि किसी व्यक्ति की असाधारण मृत्यु हो जाए और उसने पॉलिसी ली हो तो बीमा कंपनी उसके परिवार को एक बहुत बड़ी रकम देंगी। यह सुनकर गांधी जी ने कहा, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? उत्तर में उनके मित्र ने कहा, मुझे 10% आयोग यानी कमीशन मिलेगा। क्या आप पॉलिसी लेना चाहेंगे? तब गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी भी अपने भविष्य के बारे में वर्तमान से ज्यादा नहीं सोचा है और ना ही मेरे भविष्य को वर्तमान से ज्यादा महत्व समझा है, लेकिन अगर मेरे पॉलिसी लेने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं बेझिझक पॉलिसी ले लूंगा। यह सुनकर उनके मित्र ने गांधी जी के लिए एक 31 रुपए की पॉलिसी खोल दी। अगले दिन जब गांधी जी जहाज में बैठकर साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए, तब उनके मन में एक इच्छा आई भगवत गीता पढ़ने की और याद कर लेने की। ठीक थोड़ी देर बाद उधर एक बहुत बड़ी आंधी आई, जिसे देखकर गांधी जी को ऐसा लगा कि अगर उन्होंने पॉलिसी ली भी तो अच्छा ही किया। वह साउथ अफ्रीका में तो एक वकील थे, इसलिए व्यस्त रहते थे, तो सोने से पहले मंजन करते समय वह एक एक श्लोक याद कर लेते। ऐसे ऐसे उन्होंने 700 श्लोक 700 दिनों में याद कर लिए। एक दिन नवा अध्याय पढ़ते समय उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने गलत किया। वह श्लोक यह था, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अर्थात, मैं इस दुनिया में आया भी तो उनके वजह से और जाऊंगा तो भी उन्हीं के वजह से, लेकिन फिर भी इस संसार का चक्र कभी नहीं रुकेगा, चलता ही जाएगा। यह पढ़कर गांधी जी ने उनके मित्र के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, देखो मैं उस समय तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने पॉलिसी ले ली, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है उस शक्ति को शक करके। मैं यह चाहता हूँ कि तुम उस पॉलिसी को हटा दो और उसमें जितनी भी रकम है वो अपने आप के लिए रख लेना। M.K. गांधी, धन्यवाद।